नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं, ये हीरो होंडा का स्प्लेंडर प्लस प्रो है। हीरो का स्प्लेंडर प्रो आप देख सकते हैं, ये स्प्लेंडर प्रो, इसका हम माइलेज सेटिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको इस बात की ध्यान रखना है कि इसका इंजन जो है वो गर्म होना चाहिए, यानी कुछ दूर चलकर फिर इसको गर्म कर लें, उसके बाद ही माइलेज सही सेटिंग होता है। हमने इस इंजन को बिल्कुल गर्म कर चुके हैं, अब ये माइलेज सेट करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, ये हीरो या हीरो होंडा का कोई भी बाइक हो, या फैशन प्लस हो, फैशन प्रो हो, स्प्लेंडर प्रो हो, प्लस हो, जो भी हो हीरो होंडा बाइक, उसमें सेम टू सेम हम ऐसे ही माइलेज सेटिंग करते हैं जैसा हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आप हीरो होंडा या हीरो का कोई भी बाइक हो, सेम टू सेम ऐसा ही माइलेज कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है इस आरपीएम को, अगर आरपीएम आपको पहचान में नहीं आता है तो फिर माइलेज सही सेट नहीं होगा, इसलिए आरपीएम को सही पहचान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, कार्बोरेटर के पास चलते हैं। आप देख सकते हैं ये कार्बोरेटर, मैंने बिल्कुल आपको करीब करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पहचान आएगा कौन सा स्क्रू कौन किस काम में आता है। तो आपको मैं ये बता दूँ, ये जो अंदर की तरफ है ये जो स्क्रू, इसको एयर मिक्सचर स्क्रू कहते हैं, और उसके बगल में जो ये इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होगा, ये हो गया आरपीएम स्क्रू। इन दोनों से ही हम आज माइलेज सेट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको हम पहले पूरा टाइट कर लेंगे, यानी पूरी तरह जोर नहीं लगाएंगे, आराम से इसको हम केवल बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का सा बंद हो गया। अब इसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाइक स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर हम 2 से 3 मिनट बाइक स्टार्ट रखेंगे ताकि ये पूरी तरह इंजन हमारा गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद हम इसको फिर से प्रोसेस करेंगे कैसे इसको सेटिंग करते हैं। हमारा बाइक गर्म हो चुका है, तो ये करना क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये जो बाइक हम पहले स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद अगर बाइक बंद हो जाता है तो थोड़ा हम ये आरपीएम स्क्रू है इसको टाइट कर देंगे ताकि हमारा बाइक बंद ना हो। उसके बाद बाइक चालू करके ही हम इस एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे। जैसे जैसे ये खोलते जाएंगे हमारा इंजन का आरपीएम बढ़ता जाएगा, और उस आरपीएम पे हम छोड़ देंगे जहां इंजन का फुल आरपीएम हो जाएगा, ना कम ना ज्यादा। जहां पे हमारा लास्ट आरपीएम होगा वहां पे इस स्क्रू को हम छोड़ देंगे। ध्यान रखना है बस यही आपको कि इस आरपीएम को सही तरीके से पहचान कर सेट करना होगा, नहीं तो ये माइलेज सेट नहीं होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो इस पे खास ध्यान रखना है आपको और सही आरपीएम पे ये स्क्रू सेट करना है। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक बंद हो जाता है तो ये जो आरपीएम स्क्रू है थोड़ा इसको टाइट करेंगे, टाइट करेंगे तो इसका आरपीएम थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये मेरा बाइक बंद नहीं हो रहा है, अब हम एयर मिक्सचर स्क्रू को, ये जो एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे। बाइक बंद हो जाए तो फिर स्टार्ट कर लें। बाइक स्टार्ट हो चुका है, फिर इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे।
आपको ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आरपीएम बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसको लास्ट आरपीएम पे हम स्क्रू को सेट करेंगे, आरपीएम आपको पहचानना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरा आरपीएम यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है, फुल आरपीएम तो हो चुका है। अब जो ये हमारा आरपीएम स्क्रूप है, इसको हम कम करके आरपीएम को कम कर देंगे। आप देख सकते हैं ये आरपीएम स्क्रू को हम इतना ही करेंगे ताकि हमारा बाइक बंद ना हो, उतना पे हम सेट कर देंगे। तो इस तरह ये हीरो होंडा का या हीरो का कोई भी बाइक हो, बिल्कुल इसी तरह माइलेज सेट होगा। और इसको सेट करने से थोड़ा एवरेज तो बढ़ जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे हम ये एयर मिक्सर स्क्रू बोलते हैं इसको, तो ये इस स्क्रू से एयर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा जो पेट्रोल पिस्टन में जा रहा है, उसमें एयर मिक्स होकर अंदर पिस्टन में जाता है, तो हम पेट्रोल के साथ साथ एयर को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो पेट्रोल की खपत कम हो जाती है। इस करके ये सेट एवरेज थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल की खपत कम होती है तो ये ज़्यादा चलने लगती है। तो दोस्तों, हीरो होंडा का कोई भी बाइक हो तो इसी तरह सेट होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।